हेलो एवरीवन वेलकम टू जीके टुडे दिस इज आर कक्कर आई होप आप सब खुश हैं स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी जो भी एग्जाम के लिए आप कर रहे हो बहुत ही अच्छी चल रही होगी इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ जो कि पिछले इस साल के अंदर 2022 में जो इंपॉर्टेंट रिजर्व बॉयज न्यूज में रहे हैं मैं उनको कवर करूंगी इस पर्टिकुलर कैटेगरी को काफी क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे पूछे जाते हैं लेकिन ये एक ऐसा सेशन है जिसको आपको लेक्स और रिवर्स के साथ लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए ऑलरेडी मैंने लेक्स और रिवर्स पढ़ा दी है जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा है बच्चे प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना सारी की सारी जो इसकी कैटेगरी वाइज वीडियोज हैं इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के नाम से है ठीक है तो यहां पर शुरू करती हूँ लेकिन शुरू करने से पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं अगर हम लेक या रिजर्व अगर कवर करें तो और साथ ही साथ क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं तो पहला क्वेश्चन देखो आप क्या है ये पहला क्वेश्चन इसको पढ़िए जरा क्वेश्चन कह रहा है द डैश लेक इन गुजरात तो क्वेश्चन नहीं बता दिया कि वो लेक गुजरात के अंदर है इट वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है दैट इज़ बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मौर्याज तो मौर्य के टाइम पे ये जो लेक है दैट वॉ इन गुजरात के अंदर है एक्टिंग एज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर तो आपको बताना है ये किस लेक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि गुजरात में है जो कि उस टाइम पर बनी थी और एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर भी है ये क्वेश्चन दो हज़ार बीस में आया था कोई पुराना नहीं है कि दो हज़ार दस में आया हो अभी रिसेंटली

आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 2017 में एसएससी मैट्रिक लेवल एमटीएस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर कहाँ पर है बहुत ही सिंपल उन्होंने कुछ नहीं इधर उधर की तिगड़म लगाई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आपको रिजर्वयर दे दिया और रिजर्वयर कहाँ पर है वो आपको बताना है तो सीधा सा आंसर था उत्तर प्रदेश के अंदर है तो हमें मालूम है हमने ऑप्शन फोर पे टिक कर दिया ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ो तो 2019 में एस एस सी एस आई इन डेली पुलिस सी ए पी एफ एंड ए एस आई एग्जाम में ये पेपर में आया रिजर्वायर का नाम दे दिया महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर है कहाँ पर है ब्यास नदी पे है और कौन सी ऑब्वियसली ब्यास नदी है तो वहां से भी पता चल सकता है कि हिमाचल प्रदेश में है इसको और किस नाम से जाना जाता है तो इसको पोंग डैम के नाम से जाना जाता है तो ऑप्शन वन जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इसलिए कल को आपको ये डैम दे दिया जाएगा रिजर्वायर दे दिया जाएगा पूछ लिया जाएगा कौन सी रिवर पे है तो ब्यास नदी वो याद रखो कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में है वो याद रखो ठीक है क्वेश्चन को तो घुमाना है उन्होंने किसी भी तरीके से घुमा लेंगे तो आगे देखो 2018 के अंदर क्वेश्चन आया द मैन मेड रिजर्वायर गोबिंद सागर लोकेटेड इन बिलासपुर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यही तो बोल रही हूँ अभी ये क्वेश्चन 2017 में आया 2018 में उन्होंने रिपीट किया एस एस जूनियर इंजीनियर एग्जाम के अंदर वही वही रिजर्वयर है बस स्टेटमेंट थोड़ी सी बदल दी लिख दिया उन्होंने थोड़ा सा कि इन बिलासपुर मैन मेड रिजर्वॉयर है कहाँ पर है उत्तर प्रदेश के अंदर तो ऑप्शन टू इज दी करेक्ट आंसर तो यहां पर आई होप आपको एक समझ सी आ गई होगी कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो कि रिजर्वर से कैसे क्वेश्चन आते हैं लेक्स रिजर्वय सारी आपस में लिंक हो जाती हैं और वहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं तो लेक्स और रिजर्वर्स की अपनी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा ठीक है जी चलिए अच्छा सैम रेबन रिजर्वर है कहाँ पर है यूएस के अंदर है उन्होंने पूछा है कि इट इज फेड बाय विच रिवर तो आपको वो नदी का नाम वो रिवर का नाम बताना है बेसिकली सैम रेबन रिजर्वोयर इन द यूएस इट इज फेड बाय एंजलिना रिवर तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कल को ये पूछ लिया जाता कि ये रिजर्वोयर कहाँ है इंडिया यूएस यूके तो यूएस के अंदर है कौन सी रिवर एसोसिएटेड है क्रॉस विच रिवर एंजेलिना रिवर ये जो रिवर है ये ये देख लो आप ये रिबन रिजर्वोयर जो है वहीं की फोटो है अगर यूएस में है ऐसे भी पूछा जा सकता है नहीं तो अगर कुछ अलग से नाम दे दिए तो ये टेक्सास में है ऐसे भी याद कर सकते हो इट इज फेड बाय अंजलिना रिवर जो कि मेजर ट्रिब्यूटरी है ऑफ नेचेज रिवर तो जैसे हम इंडिया की ट्रिब्यूटरीज देखते हैं ना गंगा की ट्रिब्यूटरीज देख ली और बाकी नदियों की ट्रिब्यूटरी देख ही लेते हैं हम लोग तो कोई भी रिवर हो चाहे वो जरूरी नहीं है गंगा ब्रह्मपुत्र कोई भी रिवर हो तो जैसे महानदी गोदावरी हमें सारी रिवर्स के नाम तो नहीं ले सकूंगी यहाँ पे बट कहने का मतलब यह है जैसे इंडिया की ट्रिब्यूटरीज देखते हो रिवर्स की वैसे ही अगर कुछ कुछ मालूम पड़ जाए तो वो इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली नॉलेज तो मिल ही रही है ना तो इसीलिए स्किप मत करो क्योंकि एग्जाम टाइम पे कोई भी इन्फॉर्मेशन काम में आ जाती है ये रिजर्व जो है इट वाज ऑपरेशनलाइज्ड कब 1965 के अंदर ये आप बोलोगे कि मैडम इंडिया का थोड़ी है फिर भी इतना दे रहे हो दो तीन लाइन में हैं और आपको काम आएंगी अच्छी बात है आप तो बेटर uh, पोजीशन पे हो फिर इस टाइम पे ये बेसिकली रिजर्व जो है एज अ फ्लड कंट्रोल इट इज़ यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और वाटर कंजर्वेशन के लिए अब ये जो नाम है इनका सैम रेबन रिजर्वॉयर ये उनके जो लेट स्पीकर हैं उनके नाम से ये नाम आया है इस रिजर्वोयर का ठीक है काकी रिजर्वोयर इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट चलो अब इंडिया आ जाते हैं यूएस घूम आए हैं अब बता दो कि ये रिजर्वोयर कौन से इंडियन स्टेट के अंदर है ये बेसिकली यहाँ पर सॉरी अब घाट्स और रेंज दे रखे हैं अगर ये इंडियन स्टेट दी होती यहाँ पे तो केरला वुड बी दी राइट आंसर ठीक है तो ऐसे याद कर सकते हो वैसे वेस्टर्न घाट्स होगा इसका आंसर लेकिन इन विच इंडियन स्टेट है तो ये केरला के अंदर है और बेसिकली uh, डिस्ट्रिक्ट अगर पूछ ली जाए तो वो भी याद में रख सकते हो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है पथाना मटिता डिस्ट्रिक्ट है पथाना मटिता डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर है ये ये रिजर्वायर भी वहां पर है आपको मैं बता देती हूँ दो नाम भी आप याद रख सकते हो जैसे काकी डैम या फिर अन्नथोड़े डैम ठीक है जो कि बने हुए हैं किस पे ऑन रिवर पंबा विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ काकी रिवर ठीक है और रानी रिजर्व के पास है ये इट इज़ क्लोज टू दी वेस्टर्न घाट्स और साथ ही साथ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम भी आप याद में रख सकते हो सबीर सबरी गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सो दीज डैम्स वर बिल्ड ये बने थे 1966 में एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट बहुत ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है केरला की आस बहुत वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन टाइगर्स एलिफेंट डियर्स जो है रिच शन तो बहुत देखने को भी मिलते हैं यहाँ पर कभी जाओ तो बताना ठीक है कैटल आइसलैंड इज सिचुएटेड इन विच रिजर्व वॉयर तो यहाँ पर चार आपको रिजर्व वॉयर के नाम दे रखे हैं ये बेसिकली सिचुएटेड है कहाँ पर हीरा कोड रिजर्व वॉयर नाम सुना होगा आपने ऑप्शन डी इज द राइट आंसर देखो ये आप तस्वीर देख सकते हो ये है इट इज़ वन ऑफ द थ्री आइलैंड्स इन द हीराकुड रिजर्व जो कि वाइल्ड एनिमल्स इनहेबिटेड है विदाउट एनी ट्रेस ऑफ ह्यूमंस अगर मैं बात करूं आपके साथ हीराकुड कु की सब जानते हो ये रिजर्व वॉयर कहाँ पर है ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है एंड ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस रिजर्व के पास पड़ती है जो ये जो रिवर है इट इज़ एकर विच रिवर महानदी रिवर ठीक है कहाँ सबको ही पता है महानदी रिवर अरे रिवर्स के मैंने क्लास में ये पढ़ाया हुआ है महानदी रिवर के बारे में न्यूज़ में है ये रिवर तो इसीलिए रिवर्स का प्लीज़ जाकर वो सेशन ज़रूर देख लेना इसीलिए बोल रही हूँ लिंक है आपस में सांबलपुर टाउन के पास महानदी रिवर सिस्टम की बात करूँ तो ये थर्ड लार्जेस्ट पेनंजिलर इंडिया आ, बेसिकली ये रिवर सिस्टम जो है इट इज़ दर्ड लार्जेस्ट पेनंजिलियर इंडिया में आफ्टर गोदावरी फिर कृष्णा और फिर महानदी ये महानदी रिवर उड़ीसा स्टेट की लार्जेस्ट रिवर है और कौन से हिल्स के पास ये बेसिकली राइज करती है बस्तर हिल्स इन दी छत्तीसगढ़ सेशन जरूर देख लो रिवर्स वाला सच्ची कह रही हूँ आगे देख लो आपकी मर्जी है लेडी बावर रिजर्व वॉयर है ये इंडिया में नहीं है ये कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है इंडिया में नहीं है चलो ये भी बता दिया है इंडिया ऑप्शन भी नहीं है वैसे बट इट इज़ सिचुएटेड इन यूनाइटेड किंगडम यूएस में नहीं है यूएस वाला हमने देख लिया है अब हम चलते हैं यूके तो यूके में ये रिजर्वोयर है लेडी बावर रिजर्वयर ये इसकी तस्वीर है आप देख सकते हो अगर आपसे कल को पूछ भी लिया जाए कि कौन सी रिवर बेसिकली इट इज ए क्रॉस विच रिवर तो वो रिवर का नाम भी याद में रख लेना एशॉप रिवर है दैट फ्लोज इन टू दिस रिजर्वोयर और ये रिजर्वोयर कहाँ पे है डेरबी श्री इंग्लैंड के अंदर तो नाम याद में रखना ठीक है ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन मलाना सागर रिजर्वायर कहाँ पर है इट इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट तमिलनाडु में तेलंगाना केरला कर्नाटका चार ऑप्शन हैं आपके पास अगर आपने सोचा है तेलंगाना तो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है वैसे अगर मैं बताऊं तो उस टाइम पे एक, से... एक सेकेंड Yes. So, ये जो, आ, मलन्ना सागर रिजर्वर है इट वॉज इनोग्रेटेड दो हजार बाईस में फेब्रवरी में इनोग्रेट किया गया था बाय दी तेलंगाना गवर्नमेंट एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है जो कि इरिगेट करती है अराउंड इलेवन पॉइंट टू नाइन लाख एकड़ एरिया को ठीक है इसकी जो कैपेसिटी है फिफ्टी टीएमसी फिट कैपेसिटी रिजर्वर की इट इज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ कलावेश्वरम प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट के बारे में आई होप सबको पता होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे दिस प्रोजेक्ट इज अक्रॉस विच रिवर बहुत ही फेमस रिवर है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है बहुत फेमस प्रोजेक्ट है कौन से रिवर पे है मुझे आपके कमेंट सेक्शन में आज सबके आंसर चाहिए ठीक है अब ये जो रिजर्व है साथ ही साथ ये ड्रिंकिंग वाटर नीड जो है लोगों की उस स्टेट में वो भी प्रोवाइड करेगा और इरिगेशन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद इट इज इरिगेटिंग दिस मच एकड़ एरिया बिगेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्व इन द कंट्री इसको कंसिडर किया जा रहा है खास बात यह है इसकी कि ये जो इट विल बी फिल्ड बाय वाटर लेकिन फ्रॉम अदर सोर्सेज जो ये पानी अपने सेल्फ कैचमेंट एरिया में रिसीव करेगा उससे इसके इसका सोर्स नहीं है वो इस पानी का इसका जो इट इज इट इज फिल्ड बाय बट इट इज़ फिल्ड बाय दी वाटर जो कि दूसरे सोर्सेज से है नॉट फ्रॉम दिट्स नॉट फ्रॉम इट्स सेल्फ कैचमेंट एरिया ठीक है कहाँ पर है रिवर वो सब ध्यान में रख लो प्रोजेक्ट का जो रिवर है एसोसिएटेड कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए सबका स्टैनली रिवर कहाँ रिजर्वायर कहां पर सिचुएटेड है कौन सी कंट्री में है नाम से ऐसा लगेगा अरे यार अपने इंडिया का नहीं है औ, Stanley, मतलब ऐसा नाम रखेंगे क्या इंडिया में ही है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर अब कुछ नाम तो वो आज़ादी से पहले के नाम हैं ब्रिटिशर्स आए थे तो तभी का नाम है जो आ, गवर्नर थे मद्रास के 1929 से 1934 में उनके नाम पे ये पड़ा था रिजर्व का नाम सर जॉर्ज फेडरिक स्टैनले और वाज एन एक्टिंग वाइस रॉय ऑफ इंडिया आल्सो 1934 के अंदर ही तो वहाँ पे इनका वहाँ से इनका नाम पड़ा था स्टैनले रिज़र्व जो है द वाटर जो है इस रिज़र्व का इट इज़ रिटेन्ड बाई विच डैम मितूर डैम इसकी कंस्ट्रक्शन कब पूरी हुई थी 1930 के अंदर कहाँ पर है तमिलनाडु के अंदर है लार्जेस्ट फिशिंग रिजर्व रिजर्वयर्स में से एक साउथ इंडिया के अंदर और रिवर uh, बहुत ही इंपॉर्टेंट अरे ये कैसे रह गया कावेरी रिवर इट इज फेड बाय विच रिवर कावेरी रिवर जब इसकी क्रिएशन हुई तो इट लेड टू सबमर्जन दो विलेजेस जो हैं ये तो आज की भी एक डिबेट रहती है हमेशा कि जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो व्हाट अबाउट द सोशल इम्पैक्ट व्हाट अबाउट दी जो अगर कोई भी डैम बनता है कोई रिजर्व है तो उसके आस के लोगों को कैसे आप रिहेबिलिटेट करोगे किसी हर चीज़ का एक फाइनेंशियल कॉस्ट एक सोशल कॉस्ट भी होती है तो दोनों चीज़ों को देखना रहता है इसकी बात करूँ तो इनहैबिटेंट्स ऑफ दीज विलेजेस वर वीलोकेटेड टू दी मेटूर ठीक है है ये नाम याद में रखना श्रीसाइलम रिजर्वोयर इज फेड बाय रिवर? पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है पता है? कि नहीं पता अभी बता देते हैं लेकिन पहले ये जान लो कि ये जो रिजर्वोयर है इट इज फेड बाय कृष्णा रिवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर तो ये अगर आप ये देखो जरा थोड़ा आंध्र प्रदेश में अगर हम चले तो ये आपको एक फोटो दिख रही होगी अरे जस्ट जैसे पेन लाते हैं हम्म साइलम डैम देख रहे हो यहाँ पर ये नदी जा रही है और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रिंक कर जाती है तो इट इज फेड बाय कृष्णा रिवर और कौन सी हिल्स है पास में नल्ला मल्ला हिल्स ठीक है नदी का नाम हो गया हिल्स का नाम हो गया सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वर्किंग इट इज इट हैज़ इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इंडिया के अंदर कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में है श्रीसाइलम साइलम टेम्पल के पास में ये सिचुएटेड है इसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी नाइनटीन के अंदर और ये जो रिजर्वयर है इट्स स मर्ज एट्टी सिक्स विलेजेस जब बना था तो और कम से कम भी एक लाख लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए थे जब ये रिजर्वायर बना दो ठीक है कहां पर है वो मैंने आपको बता दिया है ठीक है ओके okay, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व इन द यूनाइटेड स्टेट्स जब इंडिया तो हम हो गए हमारा प्यारा भारत अब चलते हैं थोड़ा सा यूएस में वापस से यू से शुरू किया था यूएस पे ही एंड करेंगे ठीक है जोक सपाट विच इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व इन द यूनाइटेड स्टेट देखो सीरियस होकर पढ़ना क्या पढ़ना अच्छे से पढ़ो मन लगा पढ़ो खुशी खुशी पढ़ना चाहिए दो दिन पढ़ के फिर बोर हो जाओ लेक्चर से कोई फ़ायदा नहीं है विच इज लार्जेस्ट दिजर्वायर इन यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में लार्जेस्ट रिजर्वयर कौन सा है और ये मैंने लेक्स के क्लास में इस सेशन के अंदर कवर का है बहुत अच्छे से मैंने ये लेक को कवर किया था अगर आपको याद हो तो लेक मीड तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक सेकेंड ये बड़े मैप में दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए और मैप मैप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है मैंने पहले भी एक मैप में दिखाई थी ये देखो ये है लेक मीड ठीक है जो कि लार्जेस्ट मैन मेड लेक है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसके पास देख लो निवाडा इधर एरिजोना यूटाह ठीक है और कोलोराडो रिवर भी थोड़ा यहीं से ही जाती है इधर कोलोराडो भी है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया ठीक है तो ये जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ इस लेक मीड की सो इट इज़ द लार्जेस्ट रिजरबॉयर इन द यूनाइटेड स्टेट इट वॉज क्रिएटेड बाई हु डैम कहाँ पर सिचुएटेड है ये मैंने आपको बता दिया बॉर्डर पे ही है निवाडा और एरिजोना के बॉर्डर पे है ये आर्टिफिशियल लेक पानी देता है टू अराउंड ट्वेंटी फाइव मिलियन पीपल उस जगह में मैक्सिको कैलिफोर्निया निवाडा एरिजोना पानी जो है अब बात यह है कि इस रिजर्व के अंदर बिकॉज ऑफ द ड्रॉट लाइक कंडीशन क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी नीचे आ चुका है और अपनी फुल कैपेसिटी से अभी ये सिर्फ सत्ताइस परसेंट जो है करंटली होल्ड करता है एट इट्स हाइट इन 1983 इट वाज वन टू टू फाइव फीट अब दी लेवल लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्रॉट जैसी कंडीशन हो गई पानी का लेवल जो है बहुत कम हो गया है यहां पर तो वो लेक है लेक मीड विच इज लार्जेस्ट रिजर्वर इन द यूनाइटेड स्टेट्स लार्जेस्ट देख लिया है सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उसका नाम है लेक पोवेल तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये बेसिकली जो लेक है ये सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वयर है कहां पर कौन सी रिवर एसोसिएटेड है इससे कोलोराडो रिवर ठीक है कहाँ है सिचुएटेड एट द बॉर्डर अगर मैप देखा हो तो मैंने यूटा अभी दिखाया था एरिजोना दिखाया था वहीं पास में ही है लेक मेट के ठीक है रिजर्व जो है अभी यहाँ पर भी इंटेंस ड्रॉट लाइक कंडीशन होने की वजह से पिछले अभी तीन सालों में इट इट इज कॉज बाय द्री ईयर्स ऑफ इंटेंस ड्रॉट और टू डिकेड्स ऑफ लॉन्ग टर्म ड्रॉट इन दी अमेरिकन साउथ वेस्ट बात सिर्फ तीन सालों की नहीं है क्लाइमेट चेंज तो देखो कितना टाइम से हो रहा है और आने वाले टाइम में अब हम बात करते हैं कोई भी डेवलपमेंट हो तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो है ना तो वाटर जो है इस रिजर्व के अंदर इट इज करंटली फाउंड ओनली इन वाटर लेवल इज सो लो बहुत ज़्यादा लो हो चुका है कि ये जो रिजर्वयर है इट विल नो लॉन्गर बी एबल टू जनरेट एनर्जी ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए डेवलपमेंट हो तो वो सस्टेनेबल हो ये भी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो ये मैंने आपको कुछ रिजर्वायर्स कवर किए हैं मैंने कुछ मैप्स भी दिखाने की कोशिश करी है लेकिन मैं दोबारा से ये बोलूंगी प्लीज डू वॉच द सेशन जो कि लेक्स और रिवर्स एसोसिएटेड है और एक क्वेश्चन मैंने पूछा है मुझे अभी तक याद है आई होप आपको भी याद होगा मैंने जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपसे क्वेश्चन पूछा है अगर नहीं याद तो वीडियो वापस से देखो कौन सा क्वेश्चन पूछा है और कॉमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर देना वीडियो कैसी लगती है वो भी जरूर बताया करो टिल देन हैप्पी लर्निंग एवरी वन खुश रहो स्वस्थ रहो ऑल द बेस्ट टेक केयर